जी व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपको मेरे बैकग्राउंड में अली तो उधर नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक्स नज़र आ रही। आज एक ख़ास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ये है कि हमें ज़रूर अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बुक्स का बजट ज़रूर बनाना चाहिए। वो क्या कि हम महीने में, दो महीने में उनके लिए ख़ास तौर पर एक बजट रखें जिसमें हम बुक्स की ख़रीदारी करें। और उस ख़रीदारी के लिए ज़रूरी नहीं कि हम बड़े बड़े बुक स्टोर्स पर आएँ, बल्कि हम कहीं भी जा सकते हैं, छोटी दुकानों पर जा सकते हैं। इवन हम जो सेकेंड हैंड यूज बुक्स हैं वो भी हम ख़रीद सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ एक बच्चों की जो इस्लामी और साइंसी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसको तकलीफ मिलेगी, बल्कि उनकी जो रीडिंग पावर है उसको उसके बढ़ने की वजह से उनका स्क्रीन टाइम भी कम होगा, साथ साथ लेकिन उनको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो पेपर मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इस बात को फॉलो करें और इसको ज़रूर कंसीडर करें और ज़रूर आप अपने बच्चों के लिए इस किस्म का बजट ज़रूर रखें। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर।